Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher.

तो so, इस सब्जेक्ट को देखिए आपकी यूनिवर्सिटी में मैं भी किसी और नाम से भी बोला जाता हूँ क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन भी बहुत ही यूनिवर्सिटीज में इस सब्जेक्ट को बोला जाता है और एक बहुत ही कॉमन टॉपिक आज हम अटेंड करेंगे विजुअल एम्पेयरमेंट क्या होता है तो इस पर आपका लेक्चर आज का रहने वाला है अब देखिए विजुअल एम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम इस वर्ड का मीनिंग समझें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड वहां से परचेज कर सकते हैं नोट्स वी हैव नोट्स फॉर बी एड एम एड जे बी टी एंड ऑल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया वी हैव नोट्स फॉर एवरी यूनिवर्सिटी सो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड इस पर्टिकुलर टॉपिक के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं नोट्स को या हैंड राइट भी कर सकते हैं खुद से भी नोट्स बना सकते हैं देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू स्टडी समथिंग हम जब भी कुछ समझते हैं तो साथ साथ नोट्स को भी फ्रेम आउट करते रहे वाई इट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि लिखने से सीधा हमारे दिमाग तक बात जाती है सुनते हैं तो मे बी हम भूल जाए बट लिखेंगे तो वो एक बहुत अच्छी लर्निंग हो जाती है लॉन्ग लर्निंग होती है परमानेंट लर्निंग होती है सो मेक श्योर कि आप लिखकर लर्न जरूर करें सो विजुअल एम्पेयरमेंट क्या है अब देखिए विजुअल का मतलब हो गया देखना दृष्टि और इंपेयरमेंट का मतलब हो गया बाधित तो मतलब दृष्टि में कोई बाधा हो तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे ओके विजुअल इंपेयरमेंट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ नॉन करेक्टेबल विजन लॉस वेदर इट्स कंप्लीट ब्लाइंडनेस और पार्शियल विजन लॉस तो देखिए चाहे आपको कम दिखाई देता हो किसी को वरना या उस इंसान को कम दिखाई देता हो या दिखाई ही ना देता हो चाहे उसका विजन लॉस पहले था चला गया हो बाय बर्थ हो तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है बहुत सारी कंडीशंस है सबको जानेंगे आ, कि कैसे कैसे होता है उसका इलाज क्या है कैसे ठीक भी किया जा सकता है एंड आपकी क्लास में अगर विजन एम्पेयरमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कैसे उनको पढ़ाना है कैसे उनके साथ डील करना है देखिए बेसिकली इस सब्जेक्ट को आपका बी के अंदर डालने का मतलब है ये एक बी स्पेशल एजुकेशन का सब्जेक्ट है क्योंकि आज के टाइम में इंक्लूसिव एजुकेशन है सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो किसी भी जो बच्चा देखिए हम बोल सकते हैं स्पेशल है तो उसको कोई भी स्कूल डिनाई नहीं कर सकता है एडमिशन देने से सो so, ये उसका हक है कि वो किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है एंड बाकी सब स्टूडेंट्स के साथ एजुकेशन ले सकता है तो आपको आपकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट जरूर मिलेंगे एंड आपको उनके साथ डील करना है तो ये सब्जेक्ट आपको उसी के लिए प्रिपेयर करता है राइट कॉमन रिफ्रेक्टिव एरर सच एज नाइट स एंड फार साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड विद ग्लासेस और कॉन्टैक्ट्स तो ये बहुत कॉमन है हमें पता है आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखेंगे तो उनको चश्मे लगे होते हैं चश्मे लगने का कारण क्या है दूर के विजन में प्रॉब्लम होती है पास के विजन में प्रॉब्लम होती है तो उसको ग्लासेस के द्वारा ठीक कर दिया जाता है मतलब चश्मा पहनकर या आजकल लेंसेज भी हैं तो उसके द्वारा ठीक कर दिया जाता है अब हम देखते हैं ओल्ड एज में ज्यादातर लोगों को चश्मे लगे होते हैं क्योंकि वो टाइम के साथ अपना विजन जो है उसको लॉस कर देते हैं या वो पार्शली विजन लॉस हो जाता है ये हम कह सकते हैं. बट कुछ बच्चों के साथ आज तो अभी ऑनलाइन लर्निंग है तो उनका लैपटॉप का, का काम बहुत ज्यादा है वो बहुत टाइम स्क्रीन पे बैठे रहते हैं मोबाइल फोन का यूज करते हैं सो दैट इज वाई ये प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज वहां से अल्ट्रावायलेट रेज जो निकल ती हैं वो आंखों पे असर डालती हैं बट वेन वन और मोर पार्ट ऑफ आई और ब्रेन दैट आर नीडेड टू प्रोसेस इमेजेस बिकम डिजीज्ड और डैमेज सीवियर और टोटल लॉस ऑफ विजन कैन अगर अब देखिए ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है आई और ब्रेन का जो कॉन्टैक्ट रहता है कि जो इमेजस आँखें देखती हैं वो दिमाग तक पहुँचे तो अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम आ जाती है जो भी बायोलॉजिकल रीजन्स होते हैं दृष्टि जिससे कहते हैं हम चले जाते हैं एक इंसान लाइक अंधा हो जाता है जो वर्ड हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में तो ये कैसे होता है ये हो जाता है बहुत सारे बायोलॉजिकल रीजन की वजह से वो हम देखेंगे कॉजेज उसके क्या क्या रहते हैं इन दीज केसेस विजन कांट बी फुली रिस्टोर्ड विद मेडिकल ट्रीटमेंट सर्जरी और करेक्टिव लेंसेज देखिए ऐसी सिचुएशंस में पहले जैसा आपका फुली रिकवरी नहीं की जाती है पहले जैसा विजन आपका नहीं आ सकता है देखिए हम देखते हैं बहुत बार एक्सीडेंट्स में लोग अपना अगर हम बात करें आँखों पे उनका लाइक आँखें खो देते हैं या और कुछ पैर खो दिया है किसी ने हाथ खो दिया है लाइक खुदा ना करें किसी का एक्सीडेंट हो बट इट इज वेरी लाइक ऐसा हमें देखने को मिलता है कि ऐसा एग्जाम्पल सेट है हम अपने आसपास देखेंगे तो uh, हम देखते हैं कि किसी ना किसी के साथ ऐसा जरूर हुआ होता है एंड ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं लोग अपना पैसा लगा देते हैं बहुत लाइक uh, like, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स के पास जाते हैं बट पहले जैसा नहीं हो पाता है हाँ चीजें ठीक हो जाती हैं जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं बट पहले जैसी चीजें नहीं हो पाती हैं तो यहाँ पे भी वही केस है कि ऐसी सिचुएशन में चीजों को लाइक ठीक किया जा सकता है पर पहले जैसा अच्छा नहीं बनाया जा सकता है तो ये कुछ एग्जाम्पल सेट है और ये एग्जाम्पल्स हम डिस्कस क्यों करते हैं ताकि इनसे हम लर्न करें कि हर चीज को रूल के हिसाब से या एक सही चीज के हिसाब से फॉलो करना क्यों जरूरी है अगर जैसे हम बोलते हैं कि एक्सीडेंट ना हो गवर्नमेंट बोलती है ओवर स्पीडिंग ना करें एंड रेड लाइट जंप ना करें तो ये चीजें इसलिए बोली जाती हैं सो मेक श्योर आप भी वो रूल्स फॉलो जरूर करें There आर नंबर ऑफ आई प्रॉब्लम्स एंड conditions दैट मे मेक it मोर डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू सी अब देखिए अब बहुत सारी ऐसी आई प्रॉब्लम्स या कंडीशंस आ जाती हैं बहुत हैं देखिए अगर इसको डिस्कस करेंगे हम बायोलॉजिकली तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा बट हम इसको शॉर्ट में और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंडीशंस होती हैं जो एक पर्सन के लिए लाइक like, उसको क्लियरली दिखे वो चीज़ें लाइक uh, like, वो अपना लॉस ऑफ विजन हो जाता है पार्शली कहीं ना कहीं येट डू नॉट कॉज लॉस ऑफ विजन अब वहाँ पे ये नहीं है कि वो इंसान अंधा हो गया है बस उस इंसान को मतलब दिखना कम हो गया है एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज माओपिया बायोलॉजिकल टर्म है और नाइट साइटेडनेस वेयर असन पर्सन सीज नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट हैज सॉरी दिस इज नियर साइटेडनेस बट हैज डिफिकल्टी फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट मोर डिस्टेंस तो नियर साइटेडनेस में या माओपिया में क्या होता है कि उस इंसान को जो है पास का दिखाई देता है बट उसको दूर का दिखाई नहीं देता है बट हैज डिफिकल्टी फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट दैट आर मोर डिस्टेंस जो दूर है देन यहाँ पे दूसरा टर्म है हाइपर रोपिया और फार साइटेडनेस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ विजन कंडीशन दिस

तीन यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं दो कर चुके हैं जिसमें विजन आप मतलब अंधे नहीं होता है इंसान बट उसको कहीं ना कहीं कम दिखाई देने लग जाता है मतलब partially loss of vision होता है 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 पे पे एक एक और टर्म है, astigmatism. ये एक और biological टर्म टर्म ये धुंधला दिखाई देने लगता है इंसान को ब्लर दिखाई देने लगता है एट एनी डिस्टेंस चाहे वो कितना भी डिस्टेंस हो दीज कंडीशन आर कॉमन एंड कैन ऑफन करेक्टेड विद आई ग्लासेस और कॉन्टेक्ट ग्लासेस तो यहाँ पे इनको ठीक किया जा सकता है वाई बिकॉज वी हैव सोल्यूशन फॉर आई ग्लासेस राइट अब कुछ कॉजेज है यहाँ पे की कि क्या किस वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाता है किड्स या एडोलशंस लाइक टीम के अंदर सो so, वो डिस्कस करेंगे फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे एम्बलोपिया और लेजी आइया अब लेजी आई क्या होती है ये बहुत इजी है ये वाला वर्ड लर्न करना इंस्टेड ऑफ बायोलॉजिकल टर्म आप लर्न करें तो इन दोनों में से जरूरी नहीं है आप बायोलॉजिकल टर्म ही अपने एग्जाम में लिखे आप नॉर्मल टर्म भी लिख सकते हैं जो भी आपको लर्न होती है लेजी आई आपने देखा होगा हमने ऑब्जर्व किया है किसी ना किसी को या आप गूगल पे भी लेजी आई डाल सकते हैं तो आपको पिक्चर मिल जाएगी कि ये लेजी आई कैसी होती है लेजी आई का मतलब होता है कुछ लोगों को लाइक कहीं पे देखते हैं और लाइक उनकी आईज के आ, हमें लगता है कि वो कहीं और देख रहे हैं बट वो देख हमें रहे होते हैं तो ऐसे वाली जो सिचुएशन होती है उसको लेजी आई बोलते हैं आप गूगल पे डाल के एक बार पिक जरूर देखें कि लेजी आई का मतलब क्या है देन यहाँ पे अगला है दिस टर्म इजमस एंड मिस अलाइंस ऑफ क्रॉस्ड आई जो हम बोल देते हैं कई बार मजाक में भी कि ये इंसान तो काना है तो वो जो टर्म है हिंदी में वही बोला जाता है मिस होती है क्रॉस्ड आईज होती है देन बर्थ डिफेक्ट्स कई बार बर्थ के कारण होता है एंड आई और ब्रेन इंजरीज जैसा कि मैंने बताया आई और ब्रेन के बीच में जब इंजरीज हो जाती हैं लाइक like जो चीज आईज देखती है वो इमेज को ब्रेन तक ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया जाता है थ्रू आवर नर्व्स इसके लिए एक प्रोसेस जो है उसमें अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ी आती है तो आपको विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट में अब क्या क्या हो सकती है कंडीशंस जिन स्टूडेंट्स के विजुअल इंपेयरमेंट है उनके साथ डेशन टू हेल्प दम सी यू और व्हाइट बोर्ड्स ब्लैक बोर्ड ओवर हेड डिस्प्लेस एक्सेट्रा अगर आप अपनी स्कूल लाइफ को थोड़ा सा रिमेम्बर करें, रिकॉल करें, तो आपने अपनी स्कूल लाइफ में ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि जिन स्टूडेंट्स को चश्मे लगे हुए होते थे ग्लासेस लगे हुए होते थे तो उनके पेरेंट्स हमेशा टीचर को बोलते थे कि मेरे बच्चे को आगे बिठाओ तो वहां पर पेरेंट्स क्यों बोलते थे क्योंकि उन्हें पता है बच्चा पीछे बैठेगा तो उसको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स को टीचर हमेशा आगे के ही लाइक like, एक दो डेस्क पर ही रखती थी लाइक फर्स्ट इन द रो और सेकंड इन द रो सो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट उनका उस हिसाब से होना जरूरी है दे नीड्स टू वेयर ग्लासेस यूज मैग्निफायर्स और यूज एक्स्ट्रा लाइटनिंग फॉर द क्लास वर्क अब इनको जब ये काम करे तो एक्स्ट्रा लाइटनिंग हो क्लास में और ये ग्लासेस को पहने रखें अगर आपको लगता है कल को आपकी जब आप टीचर बनेंगे कि आपकी क्लास में कोई बच्चा ग्लासेस उतार देता है मे बी उसको इरिटेशन होती हो उसको अच्छा ना लगता हो या हो सकता है बच्चे जड़ाते हो तो उस वजह से वो नीचे रख देता हो बट आपका एक वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो काम कर रहा है बच्चा तो आप उसको बोले कि अपने ग्लासेस पहन लो पूरा दिन नहीं पहन पाता है बच्चा तो उसको बीच में टेन फिफ्टीन मिनट्स का ब्रेक दे दे अगर वो ग्लासेस से परेशान हो जाता है मे बी उस टाइम पे वो हेड डाउन कर ले एंड आईज क्लोज करके थोड़ा सा एक नैप ले ले सो so दैट उसको कंफर्टेबल फील हो बट ऐसा नहीं कि वो पढ़ रहा है ब्लैक बोर्ड से कुछ कॉपी कर रहा है अपनी नोटबुक में एंड ग्लासेस उसने नहीं पहने हैं उटरियल और ऑडियो बुक रीडिंग अब यहाँ पे क्या जरूरत है की लार्ज प्रिंटेड हैंड आउट मतलब जो प्रिंटेड मटीरियल है वो प्रॉपरली हो उस बच्चे के लिए नीड वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर्स और अदर असिस्टिव टेक्नोलॉजी नीड समू असिस्टेंट टेकिंग नोट्स इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी देखिए ये एक्सट्रीम केसेस में होता है कि कई बार स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं या जिनका विजन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वहां हम उनको हेल्प करते हैं नोट्स वगैरह लेने में लाइक like हम डिक्टेट कर देते हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ की बात हुई थी ऑडियो बुक्स फॉर रीडिंग तो दैट इज व्हाट कि अगर बच्चे को देख के लिखने में प्रॉब्लम आ रही है या ढंग से नहीं देख पा रहा है इंस्टेड ऑफ वेयरिंग ग्लासेस आल्सो तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको डिक्टेट कर दे या किसी और स्टूडेंट को बोल दें जो उसको डिक्टेट कर दे और वो लिख ले या आपके पास ऐसी ऑडियो बुक्स हो देन नीड एक्स्ट्रा टाइम टू गेट टू क्लासेस और कंप्लीट असाइंड वर्क तो बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम आपको ऐसे स्टूडेंट्स को बिल्कुल देना पड़ेगा नीड्स टू गो टू द स्कूल नर्स फॉर मेडिकेशन और असिस्टेंट विद विजल कंसर्स और टाइम टू टाइम स्कूल का जो डॉक्टर या नर्स है उनके पास भेजा जाए एंड मिस क्लास टाइम टू सी डॉक्टर्स अब डॉक्टर्स को लाइक यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्कूल डॉक्टर्स के पास या बाहर अगर पेरेंट्स प्राइवेट डॉक्टर्स पे दिखाते हैं जिस भी उनका फैमिली डॉक्टर हो या जो भी तो वहां पर बच्चों को उसके लिए प्रॉपरली लीवस दी जाएं

तो उसके क्या क्या साइन होते हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कांस्टेंट आई रबिंग अब ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपने आईज को बहुत रब करते हैं और क्रॉनिक आई रेडनेस या उनको आंखों में लालपन रहता है रेडनेस रहती है एक्सट्रीम लाइट सेंसिटिविटी अब उनको लाइट सेंसिटिविटी रहती है चमक लगती है उनको आंखों में

फॉलोइंग uh, ऑब्जेक्ट्स अब उनको कहीं पे फोकस करने में प्रॉब्लम आएगी फोकस करेंगे तो मे बी आंखों से आंसू निकलने लग जाए पानी निकलने लग जाए इन एबिलिटी टू सी ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दूर के ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करने में या देखने में प्रॉब्लम आएगी इन एबिलिटी टू रीड अ व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड एटसेट्रा और ट्रावल रीडिंग ब्लैक बोर्ड से कुछ भी कॉपी करने में दिक्कत आएगी अब ऐसा स्टूडेंट क्या करता है मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स हमेशा आगे आएंगे बोर्ड के पास दो वर्ड देख के जाएंगे फिर वापस जाएंगे और लिखेंगे फिर आगे आएंगे फिर देखेंगे फिर जाएंगे तो उनका हमेशा ये चीज चलती है क्यों चलती है क्योंकि वो नहीं देख पाते हैं या अपने पार्टनर की कॉपी में से वो कॉपी करेंगे आ, तो ये दो चीज वो करते हैं तो इस चीज पे आप एक बार नजर रखें कि ऐसा अगर कोई स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली कर रहा है एक टाइम पीरियड के लिए लाइक टेन और फिफ्टीन डेज तो आप उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म जरूर करें हो सके तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने से पहले स्कूल के डॉक्टर या नर्स के पास भेजें then types of visual impairment severely uh, severely uh, sorry, severely sorry sight impaired that is uh, like हम कई बार देखते हैं एक चीज पे मैं हमेशा uh, अभी फोकस कर रही हूँ कि लॉस हो जाता है वो partially होता है प्रॉपरली नहीं होता है कि हम बोल सके कि इंसान को तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है दैट इज लाइक सीवियरली sight impaired

लाइक ये बायोलॉजिकली जो प्रूवन है बट द नॉर्मली साइडेड पर्सन सी 60 मीटर्स तो नॉर्मल पर्सन 60 मीटर पे देख पाता है तो लगा सकते हैं आप इनका कितना रहता है तो ये आ जाता है एक पार्शियली लॉस आता है और उसके बाद जो कंडीशन खराब होती है मतलब एक होता है आपको बिल्कुल दिखाई ना देता हो एक है कि आपको थोड़ा बहुत दिखाई ना देता हो तो उसके बीच में कहीं हम बोल सकते हैं जिसकी हालत ज्यादा खराब हो मतलब अगर ध्यान नहीं दिया गया तो उसका विजन पूरी तरह लॉस भी हो सकता है सो दैट कैटेगरी मेनली कम्स अंडर सीवियरली साइट इम्पेयर्ड राइट नेक्स्ट साइट इम्पेयर्ड क्या है एंड देन लो विजन तो ये तीन कैटेगरी तीन टाइप्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे सो so, साइट इंपेयर्ड में क्या है एबल टू सी एट थ्री मीटर बट नॉट एट सिक्स मीटर वट द नॉर्मली साइटेड पर्सन सीज एट सिक्सटी मीटर्स तो यहाँ पे कंडीशन सिक्सटी मीटर्स से आप कंपेयर कर सकते हैं नॉर्मल पर्सन सिक्सटी मीटर देख सकता है तो यहाँ पे साइट पर्सन कैन सी ओनली अबाउट लाइक थ्री मीटर्स एंड नॉट नॉटी सिक्स मीटर्स तो यू कैन मेजर दैट कि यहाँ पे कंडीशन कितनी वीक है

दोस्ट टाइप ऑफ लाइक ये हमें पता है कि कैसे लाइक like, हम देखते हैं जिनको भी चश्मे लगे हैं अक्सर या हम स्टूडेंट्स को या अपने इर्द गिर्द बच्चों को हमेशा एक चीज़ वॉन करते हैं ज्यादा मोबाइल फोन ना खेलें ज्यादा कंप्यूटर्स ना देखें ज्यादा या लैपटॉप्स वगैरह की स्क्रीन पे ना देखें टीवी नहीं देखें मोबाइल फोन नहीं देखना तो ये सब क्यों बोला जाता है बिकॉज लो विजन हो सकता है अब टीचर की क्या भूमिका है टीचर का क्या रोल है स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट शुड बी एंकरेज टू पार्टिसिपेट इन ऑल क्लासरूम एक्टिविटीज फिजिकल एजुकेशन एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज देन मेक श्योर योर क्लासरूम इज ईजी टू मूव अराउंड इन एंड फ्री ऑफ ऑब्स्टेकल तो देखिए विजुअल इम्पेयरमेंट अगर किसी स्टूडेंट्स को है तो ऐसा नहीं है आप उनको क्लास में ही बिठा कर रखेंगे आप बाहर उन्हें स्पोर्ट्स के लिए नहीं भेज रहे हैं या किसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं करना है उनको एंकरेज करना है आपको इंस्टेंट कि वो बढ़ चढ़ हिस्सा लें

एंड जो बच्चों का लाइक विजुअली इम्पेयर्ड कोई है जो जो लाइक ब्लाइंड स्टूडेंट है या तो आपकी क्लास में तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि उसको कोई लाइक uh, like, बुली ना करे किसी तरीके से इफ़ ई कैनॉट सी और शी कैनॉट सी तो उसका फायदा ना उठाए कोई भी तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए देन विजुअल इम्पेयरमेंट कैन बी वाइड रेंजिंग सो कंसिडर ईट स्टूडेंट्स नीड इंडिविजुअली तो हर एक देखिए विजुअल इंपेयरमेंट को हमने डिस्कस किया कि इसके कुछ भी कॉजेज हो सकते हैं कुछ भी सिम्टम्स हो सकते हैं हर कंडीशन में अलग होता है हर इंसान के साथ अलग होता है हर एक बच्चा अलग है उसकी नीड्स अलग है तो मेक श्योर इंडिविजुअली हर एक बच्चे के तरीके से ही उसको टैकल किया जाए तो ये था टॉपिक विजुअल एम्पेयरमेंट का एंड काफ़ी लंबा लेक्चर रहा आज का लॉन्ग लेक्चर हमने अटेंड किया ऑल दो देखिए यहाँ पे बायोलॉजिकल टर्म्स बहुत यूज होती हैं बाय मतलब आपको प्रॉपरली एज अ नॉलेज मिलती है थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि इस सब्जेक्ट को साइकोलॉजी भी है इस सब्जेक्ट में और बायोलॉजी भी है दोनों का मिक्सचर है ये सब्जेक्ट आपका रहता सब कुछ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से है बट आपको समझनी वो सारी टर्म्स पड़ती हैं सो

टॉपिक को समझ पाए सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड डू शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज बी अ बेस्ट टीचर थैंक यू